सितारगंज में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी के आदेश के अनुसार सितारगंज में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 पुलिस चौकियों की टीमें गठित कर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब की 8 भट्टियों को नष्ट किया और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की। आपको बता दें कि पुलिस की छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है, जिसमें मौके से पुलिस ने 4 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में 3 शराब माफिया मौके से भाग निकले। एसएसआई विनोद फरत्याल ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। निकल बाहर निकल उसको। हमारे द्वारा 3 टीमें तैयार की गई, जिसमें जो है सरकड़ा क्षेत्र और सिडकुल क्षेत्र, शक्ति फार्म क्षेत्र में जो है 3 टीमों द्वारा जो है लगातार शराब के लिए दबिश दी गई, जिसमें हमारे द्वारा 8 भट्टियां उसमें नष्ट की गई हैं और 4 भट्टियां पकड़ी हैं और 4 भट्टी में कुल तथा जो है एक महिला को भी शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था। कुल 5 अभियोग हमारे द्वारा पंजीकृत किए गए हैं और जिसमें जो है 7 लोगों को नामजद किया था, 7 में से 4 को गिरफ्तार किया गया है।